हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रोवेल। ये है लेक्चर नंबर 4 और इसके पहले जो लेक्चर्स थे उसके अंदर हमने टॉपिक पढ़ चुके हैं, लाइक डेटा एंट्री, ऑटोफिल, डेटा वैलिडेशन, फ्लैश फिल, और हमने कुछ और टॉपिक भी पढ़े थे। खैर, इसमें हम पढ़ते हैं फॉर्मेटिंग वर्कशीट। चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है माउस से सेल्स को कैसे सिलेक्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो हमारा इंडिविजुअल बॉक्स है इसको हम बोलते हैं सेल, और दो या दो से ज्यादा सेल्स के ग्रुप को हम बोलते हैं रेंज। रेंज सेलेक्ट करने का मेथड ये है कि आप किसी भी सेल के ऊपर क्लिक कीजिए और माउस को ड्रैग कर दीजिए। जहां तक आप ड्रैग करेंगे वो सारे सेल्स सेलेक्ट हो जाएंगे और इसको हम बोलते हैं रेंज। जरूरी नहीं है आपकी रेंज कंटिन्यूस हो, डिसकंटिन्यूस भी हो सकती है। जैसे अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट करना चाहूँ तो मैं अपने कीबोर्ड पर प्रेस करूंगा कंट्रोल और दोबारा से ड्रैग कर दूंगा। देखिए, एक और रेंज मेरी सिलेक्ट हो गई है। ऐसे मैं कितनी भी डिसकंटिन्यूस रेंज सिलेक्ट कर सकता हूँ कंट्रोल प्रेस करने के बाद। इसी तरह अगर मुझे पूरा कॉलम सिलेक्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, कॉलम के ऊपर नेम पे क्लिक करेंगे तो आपका पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। मल्टीपल कॉलम सिलेक्ट करने तो यहाँ कॉलम पे क्लिक कीजिए, ड्रैग कर दीजिए, और डिसकंटिन्यूस कॉलम भी सिलेक्ट कर सकते हो आप, कंट्रोल प्रेस कीजिए और ये ऐसे ड्रैग कर दीजिए। सिमिलरली अगर आपको रो सिलेक्ट करनी है तो आप किसी भी रो नंबर के ऊपर क्लिक कीजिए, वो रो सिलेक्ट हो जाएगी, और अगर आप ड्रैग करेंगे तो मल्टीपल रो सिलेक्ट हो जाएंगी। अगर मुझे इसके नीचे से सिलेक्ट करना है तो मैं कंट्रोल दोबारा से प्रेस करता हूँ और ड्रैग, ये हमारी डिसकंटिन्यूस रोज जो है सिलेक्ट हो गई है। अगर आपको पूरी वर्कशीट सिलेक्ट करनी है तो उसके लिए ये ऊपर जो ट्राइंगल बना है आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, हमारी पूरी वर्कशीट सिलेक्ट हो जाएगी। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल ए, तो भी हमारी पूरी वर्कशीट जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। सेकेंड टॉपिक है आप कीबोर्ड से किसी भी रेंज को कैसे सिलेक्ट करेंगे। फर्स्ट मेथड तो है आप शिफ्ट बटन दबाइए और एरो कीज को प्रेस करते जाइए। जिस भी डायरेक्शन में प्रेस करेंगे वो आपकी रेंज सिलेक्ट होती जाएगी। बट अगर आपको डिसकंटिन्यूस रेंज सिलेक्ट करनी है तो आप क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, यहाँ पर आइए। जैसे मैं यहाँ पर आया हूँ C2 सेल के ऊपर, मैं प्रेस करता हूँ F8 और इसके बाद मैं एरो कीज जिस भी डायरेक्शन में प्रेस करूंगा उस डायरेक्शन में मेरा जो सिलेक्शन है वो एक्सटेंड या फिर सब्ट्रैक्ट होता चला जाएगा। मैं दोबारा से F8 की प्रेस कर देता हूँ, ये मेरी पहली रेंज सिलेक्ट हो गई है। अब अगर मुझे कोई दूसरी रेंज सिलेक्ट करनी है और मैं चाहता हूँ ये वाली रेंज भी सिलेक्टेड रहे, मतलब डिसकंटिन्यूस रेंज में सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो हम प्रेस करते हैं शिफ्ट प्लस F8 पे। ये हमारा एक्सटेंड सिलेक्शन मोड को ऑन कर देता है और मैं किसी और रेंज के ऊपर आता हूँ। देखिए, मैं यहाँ पर आ गया हूँ और मैं दोबारा से F8 प्रेस करता हूँ और ये अपनी नई रेंज सिलेक्ट करके दोबारा से F8 प्रेस करता हूँ। इस तरीके से आप अपने कीबोर्ड से भी डिसकंटिन्यूस रेंज जो है उसको सिलेक्ट कर सकते हो। जो थर्ड टॉपिक है वो है हमारा ऑटो सिलेक्ट दी रेंज, की रेंज को ऑटो सिलेक्ट कैसे करते हैं। ये देखिए, मैंने एक ये डमी डेटा बनाया हुआ है। आप ये देखिए, हमारा ये बहुत सारा डेटा है, ये नीचे तक काफी रोज में फैला हुआ है। आपको ये पूरे डेटा को सिलेक्ट करना है क्विकली, तो आप क्या करेंगे, एक तो मेथड ये है कि आप सेल से या माउस से ड्रैग कीजिए और नीचे तक ड्रैग करते आइए। बट ये जो मेथड है ना बहुत स्लो है। फास्ट मेथड क्या है, आप यहाँ पर आइए, अपने कीबोर्ड पर प्रेस कीजिए कंट्रोल शिफ्ट एंड राइट एरो। तो ये क्या करेगा, ये वहां तक सिलेक्ट कर लेगा जब तक इसको ब्लैंक सेल नहीं मिलता राइट एंड साइड वाली डायरेक्शन में। अब मुझे नीचे की तरफ जाना है तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट एंड डाउन एरो प्रेस करूंगा। तो ये देखिए, इसने मेरी पूरी रेंज सिलेक्ट कर ली है। ये वहां तक सिलेक्ट कर लेगा जब तक इसको ब्लैंक सेल नहीं मिलता है। ये देखिए, 506 रो तक इसने सिलेक्ट कर लिया, इसके नीचे ब्लैंक सेल है तो इसने यहाँ पे सिलेक्ट नहीं किया है। अच्छा, अगर मुझे ये सिर्फ सिलेक्ट ना करना हो, सिर्फ मूव करना हो, तो उसके लिए क्या तरीका है, आप शिफ्ट प्रेस मत करना, बस कंट्रोल एंड एरो का यूज करना। मैं कंट्रोल एंड राइट एरो प्रेस करता हूँ, देखिए इधर आ गया। कंट्रोल डाउन एरो प्रेस करता हूँ तो सबसे नीचे आ गया। ये देखिए, कंट्रोल लेफ्ट एरो, कंट्रोल टॉप एरो। तो इस तरीके से आप जो है अपनी रेंज के अंदर, मतलब जो आपका डेटा है उसके अंदर भी क्विकली आप मूव कर सकते हैं। फोर्थ टॉपिक है हमारा नेमिंग द रेंज। हम एक्सेल के अंदर किसी भी रेंज को सिलेक्ट करके उसको एक अपना कस्टम नेम दे सकते हैं। ऐसे करने की नीड क्या है, कई बार क्या होता है आप कुछ फॉर्मूले बनाते हैं तो फॉर्मूले के अंदर आपको फिर वो रेंज सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आप बस उसका नाम लिख सकते हो तो वो रेंज पिक कर लेता है। इसका यूज मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा, पर अभी के लिए बस आपको ये बता देता हूँ कि हम नेम देते कैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जो टेबल बनाई हुई है मुझे इसको कुछ नाम देना है, तो हम कैसे करेंगे, पहले तो इस टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं। पहले जो मैंने मेथड बताया था उसी से करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, और यहाँ पर यहाँ नेम बॉक्स में आ जाता हूँ। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्टूडेंट अंडरस्कोर रिकॉर्ड, यहाँ पे स्पेस नहीं डालना है आपको, ध्यान रखना, और एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो ये मेरी जो रेंज है इसका मैंने नाम लिख दिया है। ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे आकर सिर्फ लिखता हूँ स्टूडेंट अंडरस्कोर रिकॉर्ड और एंटर प्रेस करता हूँ, तो मेरी जो पूरी रेंज है इसको ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा। हम अपने फिफ्थ टॉपिक के ऊपर आते हैं जिसके अंदर हम पढ़ते हैं कि अपनी कॉलम की विड्थ और रो की हाइट को कैसे एडजस्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये नाम लिखा हुआ है वरुण, और मैं इसको थोड़ा एडिट करके कोई बड़ा नाम डाल देता हूँ। अब देखिए, जो मेरा नाम है वो विजिबल नहीं हो रहा है क्योंकि इसके नेक्स्ट वाले सेल के अंदर जो डेटा रखा हुआ है उसने इसको छुपा दिया है, और जो मेरे कॉलम की विड्थ है वो थोड़ी कम है। इसको ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो आप माउस से ड्रैग कर दीजिए, थोड़ा कॉलम को बड़ा कर दीजिए तो ये मेरे को विजिबल हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे सी ओ डी कॉलम के जब आप बीच में आएंगे तो आपका जो एरो है वो एक डबल हेडेड एरो के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। आप डबल क्लिक कर दीजिए तो ये ऑटोमेटिकली अपने कॉलम की जो विड्थ है उसको इतना सेट कर देगा कि आपका जो नेम है वो प्रॉपरली विजिबल हो जाए। आप इन सेटिंग को यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। यहाँ फॉर्मेट के ऊपर आइए, कॉलम विड्थ के ऊपर आप क्लिक कीजिए, इसको यहाँ पे बढ़ा सकते हो। जैसे मैं कर देता हूँ 20 तो ये बढ़ जाएगा।
सिमिलरली आप घटा भी सकते हैं, ऑटो फिट भी कर सकते हैं, जो मैंने आपको माउस से डबल क्लिक करके बताया था ये ऑटो फिट हो गया। रोज के साथ भी सिमिलर कर सकते हो, आप बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, डबल क्लिक करके ऑटो फिट कर सकते हो। ये फीचर आपको यहाँ पे फॉर्मेट के अंदर रो हाइट और ऑटो फिट रो हाइट के अंदर भी दिए गए हैं। एक और हमारे पास ऑप्शन है डिफॉल्ट फिट। इसका क्या मतलब है, इससे आपके शीट के अंदर जितने भी कॉलम है उसकी विड्थ को आप डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट सेट कर सकते हो, बट ध्यान रखना ये उन कॉलम के ऊपर वैलिड नहीं होगा जिनकी विड्थ को आपने चेंज कर दिया है। जैसे मैं यहाँ पर कर देता हूँ 3, प्रेस करता हूँ ओके, तो ये देखिए सभी कॉलम जो है मेरे जितने भी हैं ये सब इनकी विड्थ कम हो गई है, 3 हो गई है, बट ये जो मेरे डेटा है इसकी विड्थ चेंज नहीं हुई है, क्योंकि इसकी विड्थ को हम ऑलरेडी चेंज कर चुके हैं, थोड़ा मैनुअली हमने चेंज कर दिया था किसी भी मेथड से। नेक्स्ट हम किसी भी कॉलम को हाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं नहीं चाहता ये रोल नंबर मेरी शीट के अंदर प्रिंट हो, या मैं किसी को दिखाना नहीं चाहता था, कुछ भी रीजन हो सकता है। हाइड करने के लिए आप क्या करेंगे, ऊपर यहाँ कॉलम पे क्लिक कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और कर दीजिए हाइड, तो ये छुप जाएगा, विजिबल नहीं होगा, बट ये हमारा कॉलम नंबर से आपको पता लग जाएगा, CNE यानी डी मिसिंग है। और ऊपर से आप ये देखिए अगर जूम करके देखेंगे तो आपको थोड़ा सा एक डबल लाइन आपको यहाँ पे विजिबल होगी, जिससे आपको पता लग जाएगा कि बीच में जो कुछ कॉलम है वो हिडन है। अनहाइड करने के लिए आपको क्या करना है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसको सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और अनहाइड कर दीजिए। सिमिलरली आप किसी रो को भी हाइड कर सकते हैं, राइट क्लिक कीजिए हाइड रो, और अनहाइड करने के लिए आपको क्या करना है, वही ऊपर से नीचे नीचे तक इसको सिलेक्ट कीजिए ताकि आपकी जो रो है वो सिलेक्ट हो जाए, और राइट क्लिक करके अनहाइड कर दीजिए। ये 6th टॉपिक में हम जानते हैं कि हम टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले तो मेरे पास ये जो सैम्पल डेटा है इसको मैं पूरा सिलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद आते हैं फॉर्मेट एज टेबल के ऊपर। मेरे पास यहाँ पे कुछ थीम्स अवेलेबल हो जाते हैं जो मेरे टेबल को सेट कर देंगे। मैं अभी यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, और ये मेरे से पूछता है वेयर इज द डेटा फॉर योर टेबल, और ये हमारा जो डेटा है ऑलरेडी सिलेक्ट कर रखा है मैंने, मैं क्लिक करता हूँ ओके पे, तो इसने मेरी जो मैंने रेंज सिलेक्ट की थी उसको एक टेबल के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। इसका बेनिफिट क्या होगा, सबसे पहले तो नीचे देखिए अगर मैं कुछ और ऐड करता हूँ इसके अंदर, तो ये मेरा क्या करेगा, उस डेटा को भी टेबल के अंदर इंक्लूड कर देगा। जैसे मैं डालता हूँ 56, और यहाँ पे टेम्प कोई भी नाम डाल देता हूँ, 11th क्लास सेक्शन ए 45%, तो देखिए ये भी यहाँ पर आ गया। अगर मैं राइट हैंड साइड पे भी कुछ ऐड करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली ये कॉलम उसके अंदर ऐड कर देगा। और क्या फीचर है इसके अंदर, ये देखिए मैं टेबल के अंदर यहाँ पे क्लिक करता हूँ, डिजाइन टैब के ऊपर आता हूँ, तो ये देखिए ऊपर हेडर रो है, मैं इसको अगर अनटिक करता हूँ तो इसको हटा देगा, टिक करता हूँ तो इसको ऐड कर देगा। यहाँ पर टोटल रोज पे क्लिक करता हूँ तो नीचे मेरे को टोटल करके भी दिखा देगा, हटा देता हूँ मैं। बैंडेड रोज क्या होती है आपकी, अभी मैंने थीम ऐसा सिलेक्ट किया हुआ है, एक्चुअली मैं आपको कोई थीम चेंज करके दिखाता हूँ, लेट से ये वाला थीम हो गया। अभी देखिए मेरी ऑल्टरनेट रो का जो है कलर वो अलग है, अगर मैं इसको हटा दूंगा तो मेरी सारी रोज का कलर सेम हो जाएगा, मैं टिक कर देता हूँ। और अगर मैं फर्स्ट कॉलम के ऊपर टिक करूंगा तो ये देखिए इसको सिलेक्ट कर देगा, बैंड कर देगा इसको, लास्ट कॉलम के ऊपर करूंगा तो इसको भी कर देगा। मेरा थीम कुछ ऐसा है, इसको आपको प्रॉपरली पता नहीं लग पा रहा है, ये सिलेक्ट करता हूँ, इसमें आपको प्रॉपर पता लग गया, ये देखिए फर्स्ट कॉलम को हटा देता हूँ, लास्ट को हटा देता हूँ, ये नॉर्मल हो गया है, ये देखिए ओके। बैंडेड कॉलम मैं करूंगा तो अब जो मेरे कॉलम है वो भी बैंडेड हो जाएंगे, बैंडेड रोज को मैं हटा देता हूँ, ये देखिए अब मेरे कॉलम हो गए हैं, पहले मेरी रोज थी ऐसे बट अब ये मेरे कॉलम हो गए हैं। ये हमारे साथ में एक फिल्टर बटन भी अवेलेबल है, मैं इसको हटा देता हूँ, तो ये देखिए फिल्टर हट जाता है हमारा, लगा देता हूँ तो हमारी टेबल के ऊपर फिल्टर आ जाएगा, और मैं यहाँ से ये डेटा को अपने हिसाब से फिल्टर भी कर सकता हूँ। लेट्स से ये दो सिलेक्ट किया, ओके किया, तो अभी दो ही डेटा मेरे पास जो है विजिबल है, बटन को हटा सकते हैं, लगा सकते हैं और सारा डेटा को सिलेक्ट करके ओके कर सकते हैं। हम अपनी टेबल का एक कस्टम नेम भी दे सकते हैं, हमारी टेबल है वो एक रेंज ही है, आप इसको पूरा सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पर आके आप इसका जो भी नेम देंगे वो आपकी टेबल का भी नेम हो जाएगा, ये मैं आपको ऑलरेडी इसी वीडियो में बता चुका हूँ। हमारे पास एक और भी होता है टेबल को फॉर्मेट करने का, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैं कुछ डेटा यहाँ से उठा के यहाँ इधर कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसकी फॉर्मेटिंग को जो है मैं क्लियर कर देता हूँ, और मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद मेरा ये जो नीचे बटन आता है क्विक एनालिसिस वाला, इसको ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, तो देखिए मैं यहाँ पे आता हूँ टेबल पे, आप यहाँ से भी इसको फॉर्मेट कर सकते हैं, मैं डालता हूँ टेबल तो इसको टेबल के अंदर कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। यहाँ टेबल में आके और प्राइवेट टेबल बनानी है, इसके साथ कुछ और भी ऑप्शंस है, वो सब भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। अभी मेरा डेटा इस टाइप का है तो ऑप्शन ज्यादा अवेलेबल नहीं हो रहे हैं, बट यहाँ पर भी हम थोड़ी थोड़ी चीज इसके साथ कर सकते हैं। चलिए थोड़ी फॉर्मेटिंग सीखते हैं। ये मेरे सामने एक सैम्पल डेटा है, इसको थोड़ा सा ऐसा फॉर्मेट करते हैं कि देखने में थोड़ा अच्छा लगे। ये मैं सबसे पहले टॉप रो सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसका सबसे पहले फॉन्ट चेंज करते हैं। फॉन्ट कैसे चेंज करेंगे, आप यहाँ पे होम टैब के अंदर आइए, फॉन्ट ग्रुप के अंदर, ये सबसे पहले ये फॉन्ट का हमारा ड्रॉप डाउन है, इधर यहाँ पे हम जो भी फॉन्ट सिलेक्ट करेंगे इसको अप्लाई कर देगा। अभी के लिए मैं कोई भी फटाफट सिलेक्ट कर लेता हूँ, लेट से ये मैंने सिलेक्ट कर लिया है, कोई
कोई भी केविट नाम का ये फॉन्ट है, और इसको थोड़ा बोल्ड कैसे कर सकते, इसके साइज को इंक्रीज कर लेते हैं। यहाँ से हमारा पूरा पूरा लिस्ट है, यहाँ से इसके साइज को बड़ा छोटा कर सकते हैं। देखिए लाइव प्रीव्यू साथ में चल रहा है, जो भी मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ साथ में तभी की तभी दिखा रहा है मेरे को। अभी मैं 18 सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मेरे जो दो बटन है इससे क्या कर सकते हैं, क्विकली हम इसके साइज को डिक्रीज और इंक्रीज कर सकते हैं। ये देखिए बहुत हैंडी टूल है, फटाफट दो पॉइंट इसके मेरे को इंक्रीज करना हो या डिक्रीज करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं। इधर से टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, कर देते हैं बोल्ड, इटैलिक बना सकते हैं, जरूरत नहीं है ऐसे ही छोड़ देते हैं। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ड्रॉप डाउन पे आएंगे तो अंडरलाइन कर सकते हैं, और एक और अगर यहाँ से सिलेक्ट करके इसको डबल अंडरलाइन भी कर सकते हैं आप। ये कर देता हूँ अभी के लिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये मेरा टेबल के बॉर्डर करने के लिए है, ये इधर ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये क्या करेगा, बॉटम बॉर्डर बना देगा इसका, टॉप में बॉर्डर बना देगा, लेफ्ट में बॉर्डर बना देगा, राइट में बना देगा, कोई बॉर्डर नहीं है, ऑल बॉर्डर या फिर आउटसाइड थिक बॉर्डर। देखिए आउटसाइड थिक बॉर्डर क्या करेगा, हमारी जो पूरी डेटा था इसके आउटसाइड में इसने डेटा बॉर्डर बना दिया है, और मैं इसके अंदर एक छोटा नॉर्मल बॉर्डर बना देता हूँ। ये जो स्टाइल है मेरा, आई थिंक ये मैंने पहले कुछ और सेट किया हुआ है, इसको चेंज कर लेते हैं पहले। लाइन स्टाइल हम पहले सेट कर लेते हैं, कैसा बनेगा, इस तरीके का बॉर्डर मैं बनाना चाहता हूँ, तो ये सेट करते हैं और क्लिक कर देते हैं। ये देखिए मेरा जो बॉर्डर है वो बन गया है। साथ में मेरा ये फिल कलर है, ये बैकग्राउंड कलर सेट करता है इसका। ये देखिए मैं तीनों को सिलेक्ट करता हूँ और पीछे कोई भी बैकग्राउंड कलर ले लेता हूँ, लेट से लाइट ब्लू ले लिया मैंने। और इसके साथ में जो है ये है फॉन्ट कलर है, ये देखिए फॉन्ट को मैं चेंज कर देता हूँ। एक्सेल 2019 में हमारे पास एक और बढ़िया फीचर है कि हम इसका जो बैकग्राउंड कलर है इसको ग्रेडियंट भी बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं ग्रेडियंट, इसको पूरे को मैं सिलेक्ट करता हूँ और इस बार ये ड्रॉप डाउन पे आता हूँ मैं। इसको ओपन करने का एक और मेथड है, आप कीबोर्ड पे Ctrl+1 प्रेस करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, शॉर्टकट है इसका। और मैं यहाँ पर आता हूँ फिल के ऊपर, इधर से इस एक तो इसका ना कोई पैटर्न भी चेंज कर सकते हैं, मतलब लेट से मैं ये सिलेक्ट करता हूँ ये वाला, तो देखिए इस तरीके का पैटर्न इसके पीछे आ जाएगा। ये आप सिमिलरली बना सकते हो, अभी नहीं चाहिए, अभी तो मैं खैर हटा देता हूँ इसको, पैटर्न को नो पैटर्न देते हैं और आते हैं दोबारा इस पर, और फिल के ऊपर, फिल इफेक्ट के ऊपर आएंगे आप। तो यहाँ पे आप दो कलर सेलेक्ट कीजिए जिसका आपको ग्रेडियंट बनाना है। पहले मैं लाइट ले लेता हूँ ब्लू और थोड़ा सा डार्कर ब्लू। यहाँ पे पैटर्न है कि आप वर्टिकली बनाना चाहते हैं, डायगोनल बनाना चाहते हैं, फ्रॉम सेंटर से बनाना चाहते हैं, ये क्लिक करता हूँ मैं। तो देखिए इस तरीके का जो मेरा ग्रेडियंट है ये इसने बना दिया, सुंदर लग रहा है, छोड़ देते हैं इसको ऐसे ही। मैं इसकी विड्थ को थोड़ा इंक्रीज करता हूँ, और ये जो मेरा नेम सेल है इसकी भी थोड़ी मैं विड्थ को इंक्रीज कर देता हूँ। हाइट और विड्थ मैंने इंक्रीज कर दी है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमारा जो ये टेक्स्ट है ये मैं किसी भी पोजिशन में अलाइन कर सकता हूँ यूजिंग दीज 6 बटन। ये जो मूवमेंट है ये हमारा वर्टिकल मूवमेंट है, टॉप में आ जाएगा, मिडिल में आ जाएगा, बॉटम में आ जाएगा, इधर से हमारा लेफ्ट में आ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा और राइट में आ जाएगा। यानी अब मैं सेल के जहाँ पर भी इस टेक्स्ट को अलाइन करना चाहता हूँ वहाँ पर हो जाएगा। टॉप राइट में कैसे होगा, यहाँ पर राइट के लिए सिलेक्ट किया, ये राइट में आ गए, और इधर से टॉप सेलेक्ट कर लिया, ये देखिए टॉप राइट में आ गए, मिडिल में करने के लिए ये आ गया मेरा। तीनों टेक्स्ट को भी मैं मिडिल में कर देता हूँ, और रो हाइट को ऑटोमेटिक फिट कर देते हैं। ठीक है, अगर मेरे पास कई बार ये भी हो सकता है कि बहुत लंबा नाम बोल, जैसे दिस इज जस्ट फॉर टेस्टिंग, मैंने ये टाइप किया, और मैं क्या करता हूँ क्योंकि ये टेक्स्ट बहुत लंबा हो गया है, अगर मैं इसको सेट करूंगा तो ये मेरा क्या करेगा, ऑटो फिट रो सॉरी कॉलम विड्थ कर देगा, बट मुझे ये नहीं करना। मैं चाहता हूँ कि मेरी कॉलम की विड्थ ना हो, रो की हाइट इतनी बढ़ जाए कि मेरा पूरा टेक्स्ट विजिबल हो जाए, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, रैप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो रो की हाइट है वो इतनी बढ़ जाएगी कि हमारा जो पूरा टेक्स्ट है वो विजिबल हो जाएगा। मर्जन सेंटर से आप दो या दो से ज्यादा सेल्स को आपस में मर्ज कर सकते हो। ये मैंने देखो ये इतनी बड़ी रेंज सिलेक्ट करता हूँ मैं और उसको मर्ज एंड सेंटर कर देता हूँ, तो इसने क्या किया, इसको एक सेल के अंदर कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट हम अपने नंबर वाले के ऊपर आते हैं, मैं यहाँ सिलेक्ट करता हूँ ये वाला नंबर वाला। ये क्या है मेरा, थाउजेंड्स और 10,000 सेपरेटर है, ये देखिए मैं इसके ऊपर लगाऊंगा तो ये देखिए क्या करेगा कि मेरा 1,000 और 10,000 पे जो भी वैल्यू होगी उसको सेपरेट कर देगा, सॉरी 100,000 पे जो भी वैल्यू होगी उसको सेपरेट कर देगा। और यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो मेरे डेसिमल पॉइंट है ये कितने दिखने चाहिए, इसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता हूँ। मैं नहीं चाहता कुछ भी दिखे तो इसको डिक्रीज कर दिया मैंने। अभी हम यहाँ से अगर आप इस वैल्यू को अगर परसेंटेज में दिखाना है तो यहाँ से दिखा सकते हैं, यहाँ परसेंटेज पे क्लिक करेंगे तो जो भी वैल्यू है परसेंटेज में आ जाएगी। अंडू कर देता हूँ मैं, और यहाँ पे आप करेंसी भी दिखा सकते हो, लेट से मेरी जो वैल्यू है ये रुपये के अंदर है तो मैं यहाँ से दिखा सकता हूँ, इसको कम कर देते हैं। ठीक है, अच्छा लग रहा है। ये जो ऊपर मेरे और ऑप्शन है अकाउंटिंग वाले या ये जनरल टैब वाले, ये मैं आपको सेकंड वीडियो में कवर करूंगा क्योंकि इसको बताने में थोड़ा मुझे टाइम लगेगा। अभी के लिए मैं सिर्फ आपको इतना बताना है कि हमने जो बेसिक फॉर्मेटिंग है, हमारा फॉन्ट अलाइनमेंट और ये नंबर वाला जो टैब है ये हमने देख लिया है।
इसके अंदर ये जो ये वाली पार्ट है हमारा, ये नंबर फॉर्मेट्स और जो हमारा कस्टम नंबर फॉर्मेट है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।